हेलो ऑल माय नेम इज क्रेशन आई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस हम लोग स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आज के वीडियो में हम एक नया टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो हम लोग समझेंगे कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है उसका प्रॉपर्टीज क्या है और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है और इसके साथ हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कौन कौन सा डेटा बेसिकली लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल बेल नोटिफिकेशन आइकन डेफिनेटली प्रेस कर दीजिएगा और ये सारे वीडियोस एंड तक देखिएगा इससे आप लोग डेफिनेटली डेटा साइंस इंटरव्यूज क्लियर कर पाइएगा तो चलिए मैं जल्दी से मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूं और यहां पे जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ये जो डायग्राम लिया है ये बेसिकली मैंने विकिपीडिया से लिया है आप अभी तक हम लोग ने जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे हम लोग पढ़े थे गौशन डिस्ट्रीब्यूशन गौशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक बेल कव आता है यूजली और ये कर्व में एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं 68, 95, 99.7 परसेंटेज ये जो, ये जो ये जो, ये जो तो कोई भी रैंडम वेरिएबल का ठीक है अगर मैं बात करूं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप देखिए रेड वाला कर्व लेट्स इमेजिन करिए रेड वाला कर्व में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड थोड़ा इलांगेटेड है और यही काफी यही डिफरेंस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बाकी सारे डेटा पॉइंट ऐसे ही लेंगे बट अगर आप राइट हैंड साइड से देखेंगे ये सारा चीज हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट स्क्यूड ठीक है right इसको हम लोग बोलते हैं राइट स्क्यूड और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये ऑलमोस्ट दिखता है गौशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही बट राइट हैंड साइड में इसका थोड़ा एलॉन्गेटेड होता है अब चलिए मैथमेटिकली मैं इसको कैसे बता सकता हूं डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कंसीडर करता हूं इफ एक्स बिलोंग्स टू लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम एक कंडीशन ले रहे हैं इफ एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है देन अगर मैं एक नया रैंडम वेरिएबल वाई ढूंढ लू और इसको अगर मैं लिख दूं ln ऑफ एक्स ln ऑफ एक्स क्या होता है नेचुरल लॉग ठीक है नेचुरल लॉग दैट बेसिकली मीन ये सारे जो एक्स वेरिएबल में है मैं सिर्फ नेचुरल लॉग लगा रहा हूं मैं यहां पे लिख देता हूं ये क्या है ये बेसिकली है नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग मतलब नेचुरल लॉग मतलब लॉग टू द बेस ई ठीक है एल एन उसी हम लोग ऐसे लिखते हैं एक और लॉग होता है लॉग टू द बेस टेन लॉग टू द बेस टू अलग अलग होता है बट यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली देख रहे हैं लॉग टू द बेस ई इसका मतलब मैं ये अगर लॉग टू द बेस ई हर एक वैल्यूज एक्स के वैल्यूज में लगा दूं और जो भी मुझे रैंडम वेरिएबल वाई मिलता है देन अगर ये एक्स लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो वाई हमको मिल रहा है वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और यही चीज हम लोगों को लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी बोलता है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इफ एक्स बिलोंग्स टू अ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब यहां पे अगर मेरा कर्व कुछ ऐसे है और मैं बोल रहा हूं कि ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको वेरीफाई करने के लिए अगर मैं एक नया रैंडम वेरिएबल वाई ढूंढ लू जिसमें मैंने लॉग टू द बेस ही अप्लाई कर दिया है हर एक एक्स के वेरिएबल पे तो जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा और अगर मैं ये प्लॉट करता हूं तो ये मेरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है अगर ये प्रॉपर्टी स्पेस सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू अ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब हमें आप ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो समझ लिए एल एन क्या होता है लॉक टू द बेस देश अगर मेरे को इसको लिखना है मैं इनवर्स तरीके से भी लिख सकता हूं इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई ठीक है एक्स बिलोंग्स टू एक्सपोनेंशियल ये दोनों सेम चीज है ठीक है अगर मैं एल एन को इनवर्स कर दूं तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई हो जाएगा और एक्स वैल्यू हो जाएगा ठीक है और ये दोनों बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे अगर मेरा x लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आई होप आपको ये सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आया हो बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल देखते हैं कैसे टाइप के एग्जाम्पल इसमें फॉल होता है ठीक है इसमें फॉल होता है पहला एग्जाम्पल लेट्स से गाइस अगर मेरे पास ऐसा कुछ कर्व है

अमाउंट ऑफ वेल्थ के हिसाब से ये प्लॉट करूं ठीक है बहुत कम लोगों के पास ज्यादा वेल्थ होता है राइट ये वाले रीजन में कौन कौन बिलोंग करते हैं लेट्स से इलन मस्क राइट इलन मस्क बफे है ना बहुत अमीर अमीर लोग मार्क जुकबर्ग अंबानी राइट और यहां पे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं क्योंकि उनका उनका बिजनेस है उनका उनका लाइफस्टाइल है बहुत सारी चीज है राइट तो यहां पे आप देखिए बहुत सारे कम लोग होते हैं जो हाई वेल्थ कमाते हैं ये वाले एरिया में आप मोस्टली देखेंगे हम हम जैसे लोग जो सैलरीड पीपल हैं राइट तो सैलरीड पीपल यूजुअली बिलोंग्स ओवर हियर यहाँ पे आप देखिए सीईओ लोग बिलोंग करते हैं है ना बड़े बड़े कंपनी के सीईओ जैसे सुंदर पिचाई हो गए आ, पराग अग्रवाल हो गए ट्विटर के सीईओ है ना तो वो वो लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं क्योंकि उनको मोटा सैलरी तो मिलता ही है ठीक है चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं मैंने देखा हूं कि मेरे YouTube चैनल में ना बहुत सारे लोग लंबे लंबे कमेंट्स भी लिखते हैं और छोटे छोटे कमेंट्स भी लिखते हैं मीडियम साइज कमेंट्स भी लिखते हैं तो उसमें भी हम लोग लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो कर सकते हैं यहां पे देखिए बहुत स बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े कमेंट्स लिखते हैं दे राइट बिगर कमेंट्स है ना बिगर कमेंट्स यहां पे स्मॉलर कमेंट्स राइट यहां पे मीडियम साइज कमेंट्स तो ऐसे टाइप के कमेंट्स जो लिखते हैं ना तो यहां पे आप लिख सकते हैं कमेंट्स In Krish YouTube channel or anybody's यूट्यूब चैनल राइट क्रिश यूट्यूब चैनल ठीक है तो कमेंट सेक्शन में आप अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारा चीजें देख सकते हैं ठीक है आ, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं मैं डेफिनेटली चाहूंगा आप दो से तीन फरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स बताइए और uh, मुझे देखने की बहुत जरूरी है मैं और एग्जाम्पल बता सकता हूं बट मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने बता सकते हैं चलिए गाइज तो अब हम लोग एक विकीपीडिया पेज देखते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से यही डायग्राम मैंने यूज किया था हम लोगों को एक चीज ये भी करना चाहिए कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना एक बार विकिपीडिया पेज को भी पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन प्रॉबिलिटी थे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अंटिन्यस प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दस इफ द रैंडम वेरियबल एक्स इज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वाई इज इक्वल टू

ठीक है तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो समझ में आया हो कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अब हम लोग ये चीज कहां यूज करते हैं यह चीज देखते हैं आप देखिए मशीन लर्निंग एप्लीकेशन जब भी हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में कोई भी डेटा सेट यूज करते हैं राइट एक मशीन लर्निंग जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लू सिंपल लीनियर रिग्रेशन का सिंपल लीनियर रिग्रेशन बेसिकली एक गुड प्रैक्टिस ये करता है कि भाई उनको जो डेटा मिलता है राइट वो अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सकता है तो अगर समझिए हमारे पास कोई डेटा सेट आता है जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर मेरे को इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में ट्रांसफॉर्मेशन करना है मैं कुछ नहीं करूँगा ये रैंडम वेरिएबल एक्स में मैं लॉग लगा दूंगा लॉग टू द बेस ई ठीक है लॉग टू द बेस ही लगा दूंगा अब जब मैं यहां लगा देता हूं तो मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और मैं यही डेटा सेट दे सकता हूं मेरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में ट्रेनिंग पर्पस के लिए और इससे क्या होता है कि मेरा एल्गोरिथम एफिशिएंटली ट्रेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स ठीक है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसको बोलते हैं तो ये आपको काफी जरूरत है कि आप समझे कि कौन सा टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है कोई डेटा सेट और उसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मेरा डेटा सेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे सिंपल लिनियर रिग्रेशन हो गया लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन हो गया ये ये सारे डेटा सेट्स सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्रॉपरली ट्रेन कर पाते हैं ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो एप्लीकेशन वाइज एग्जाम्पल वाइज और ये मशीन लर्निंग में कैसे यूज होता है दिस इट फॉर साइड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिएगा मैं आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी लाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन वो भी उसको हम लोग परिटो डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं तो हम लोग उसमें समझेंगे कि परिटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड ऑल ठीक है तो दिस वॉज इट फॉर माई साइड हैव अ ग्रेट डे हेड थैंक यू एंड ऑल बाय